आज की इस वीडियो में हम अनसिमेट्रिकल ईथर को हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो हमें ईमेल्स आई हैं वो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग आई हैं कि ये वाला टॉपिक आप एक बार ट्रिक से समझा दीजिए। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी अनसिमेट्रिकल ईथर को किसी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जैसे ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर, तो इसकी हम रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो देखिए इसमें हम किस तरह से रिएक्शन करेंगे। दो तरह से क्लीवेज है, या तो आप ये क्लीवेज देख लीजिए। ये एसिड इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यही एसिड है हैलोजन एसिड में से, जो HI, HCl, HBr और HF में से। तो अगर हम A से क्लीवेज करें तो इस साइड देखिए दो तरह की क्लीवेज है हमारे पास। अगर B क्लीवेज करें तो किस तरह से प्रोडक्ट्स आएंगे। अगर A क्लीवेज से करें तो हमें पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन इस साइड चली गई, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो एल्काइल हैलाइड प्लस इथेनॉल आ जाएगा, एल्काइल हैलाइड और इथेनॉल। और इसी तरह से अगर हम बात करें बी क्लीवेज की, तो बी क्लीवेज में ऑक्सीजन इस साइड चला गया, ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये वाला जो अल्काइल हैलाइड बना और दूसरा अल्कोहल बन गया। तो अनसिमेट्रिकल ईथर के प्रोडक्ट को हम किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे। आपने मेजर प्रोडक्ट वो वाले कंसीडर करने हैं जिनमें जो अल्काइल हैलाइड है, मतलब जो हैलाइड आयन है, वो स्मॉल चेन के साथ लगा है। जैसे हम इसको देखें तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ हैलाइड के साथ, मतलब ये आयोडाइड है, और इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये वाली हमारी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ये मेजर, और ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने आंसर करना है। जैसे अगर हम एक और रिएक्शन देखें, एनिसोल की रिएक्शन, अगर हम एनिसोल को हाइड्रोजन आयोडीन के मिक्सर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो देखिए आप मिथाइल को उठाइए और इधर आयो डीन को, तो हमारे पास देखिए एक साइड फिनोल और दूसरा हमारे पास आ रहा है अल्काइल हैलाइड। तो ये जो अल्काइल हैलाइड बना, तो ये वाला हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, ये हम ट्रीट करेंगे मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपने अनसिमेट्रिकल ईथर को हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा के, तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है इसका जो टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आपने वो वाला प्रोडक्ट मेजर कंसिडर करना, या वो वाला प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा जिसमें जो कार्बन चेन है वो स्मॉल होगी किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ।